डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई बीमारी, कोई महामारी नहीं है। 70 के दशक में हैजा महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला। तब अमेरिका में किसी ने ओशो रजनीश जी से प्रश्न किया, इस महामारी से कैसे बचें? और ओशो ने विस्तार से समझाया, जो आज की स्थिति के संबंध में भी बिल्कुल प्रासंगिक है। ओशो कहते हैं, यह प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि महामारी के कारण मेरे मन में जो मरने का डर बैठ गया है, उसके संबंध में कुछ कहिए। इस डर से कैसे बचा जाए? क्योंकि बीमारी या महामारी से तो बचना बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया के अधिक लोगों के भीतर बैठ गया है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग डर के कारण ज्यादा मरेंगे। डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई बीमारी, कोई महामारी नहीं है। इस डर को समझिए। यह जो माहौल अभी आप देख रहे हैं, इसका किसी महामारी आदि से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल के बाद हमेशा होता है, बस कारण बदलते रहते हैं। कभी सरकारों की प्रतिस्पर्धा, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। ओशो आगे कहते हैं, इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ और आप देखेंगे कि आने वाले बरसों में युद्ध तोपों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। लेकिन ओशो जी फिर कहते हैं, हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी और विद्वानों के लिए एक अवसर। इस महामारी में आप घर बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को कष्ट दीजिए, फिल्में देखिए, एक महीने में 15 किलो वजन घटा ही दीजिए, चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी लाइए, अपने शौक पूरे कीजिए। वो कहते हैं, अगर 15 दिन मुझे घर बैठने को कहा जाए तो इन 15 दिनों में मैं कम से कम 30 पुस्तकें पढ़ लूंगा। इस महामंदी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ये वो अवसर है जो 20-30 साल में एक बार आता है। पैसा बनाने का सोचिए, कहां बीमारी की बात करते हैं। ये भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबके समझ में नहीं आता। डर में रस लेना बंद कीजिए। आमतौर पर हर आदमी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डर में ले लेता है। अगर डरने में मजा नहीं आता तो लोग हॉरर फिल्में क्यों देखने जाते, वो भी इतने सारे पैसे खर्च करके। ये एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन सकती है। आप महामारी से डर सकते हैं तो आप भी भीड़ का ही हिस्सा है। ओशो कहते हैं, टीवी पर खबरें सुनना या अखबार पढ़ना बंद करें। ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज ना देखें जिससे आपके भीतर डर पैदा हो। महामारी के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। डर भी एक तरह का आत्म सम्मोहन है। एक ही तरह के विचार को बार बार घोंकने से शरीर के अंदर रासायनिक बदलाव होने लगते हैं, और यह रासायनिक बदलाव कभी कभी इतने जहरीले हो सकते हैं कि आपकी जान भी ले सकते हैं। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उन पर ध्यान दीजिए। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनता है जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को उसके भीतर प्रवेश नहीं करने देता। अभी फिलहाल पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ध्यान की नाव में बैठकर ही आप इस झंझावात से बच सकते हैं। अंतिम बात, धीरज रखिए, जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं, जब तक मौत आ ही न जाए तब तक उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ भी नहीं है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं भी मरे तो भी एक दिन मरना ही होगा, और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं। ओशो, मैं जीना सिखाता हूं। तो यह कुछ बातें हैं जो ओशो जी ने लिखी थी कई साल पहले, जो आज की स्थिति में भी बिल्कुल प्रासंगिक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।